ब्रॉट टू यू बाय टेक्नो स्पार्क 20 सीरीज स्मार्टफोन्स। यूपीएससी के नतीजे आए और 74वीं रैंक लेकर के बुराड़ी इलाके के झड़ोदा में रहने वाले रोहित त्यागी, जो कि इस समय हमारे साथ में हैं, किसान के बेटे, मिडिल क्लास परिवार से आए और पहले अटेम्प्ट में इन्होंने 74वीं रैंक प्राप्त करी। कितनी मेहनत थी, परिवार का कितना साथ था और आगे चल के भविष्य को कहां पर देखते हैं, क्या लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं, सीधे बातचीत करेंगे रोहित से। रोहित, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो दिल्ली तक की पूरी टीम की तरफ से। क्या लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं, कितनी मेहनत रही इसके पीछे जो आपने लक्ष्य हासिल किया इस बार का? सर, मेहनत तो अच्छी खासी थी और टारगेट मेरा यही था कि पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन लिया जाए। बाकी बड़ों के आशीर्वाद से और भगवान के कृपा से आईएएस मिल जाएगा तो ये अपने आप में एक आई थिंक ओवरवेलमिंग सी चीज़ हो जाएगी। बट सिलेक्शन लेना प्राइमरी एम था कि पहले अटेम्प्ट में सिलेक्शन लिया जाए। परिवार का कितना सपोर्ट रहा, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से है? मैंने जानकारी जो मिली कि कोई कोचिंग नहीं ली थी आपने, सेल्फ स्टडी करी थी, तो परिवार का एक बहुत बड़ा अहम योगदान होता है उसमें, कितना रोल रहा? सर, परिवार का ही रोल था सारा मेरे ख्याल से। मेरे हाथ में जो था वो तो पढ़ाई थी, बाकी फाइनेंशियली सपोर्ट करना मुझे और रिसोर्सेज प्रोवाइड कराना मुझे, कोई भी चीज़ हो तो उसे टाइम से पहले प्रोवाइड कराना और एक डिसिप्लिन्ड माहौल बना के रखना घर में, तो कहीं ना कहीं परिवार का ही सारा रोल है। बाकी मेरे हाथ में तो जो मेहनत थी वो मैंने अपनी साइड से करी, बाकी भगवान की कृपा और परिवार का आशीर्वाद था। जी, जब आप पेपर दे करके आए थे और पेपर दे के आए और आज तक का जब रिज़ल्ट निकला, उसके बीच का जो ये समय था कैसे बीता? ये उम्मीदें थी आपको कि आप 74वीं रैंक ले आएंगे, पेपर कैसे हुए थे और क्या लेकर के चल रहे थे मन में? सर, जो मेंस का एग्ज़ाम जब मैं लिख के आया था तो इतना मुझे था कि अच्छे गए हैं एग्ज़ाम और मैं होप कर रहा था कि इंटरव्यू की कॉल डेफिनेटली आएगी। बाकी इंटरव्यू के बाद भी एक लग रहा था मुझे कि अच्छा होगा सब। मैंने सीनियर से भी कंसल्ट करा, मेरे जो साथ मेरे फ्रेंड्स तैयारी करते थे सब उनसे कंसल्ट करा। मेरे फ्रेंड्स का बहुत रोल रहा है इसमें, ठीक है, तो उसमें सब बोल रहे थे कि पॉजिटिव ही होगा सब आगे और इसमें जो है आईएएस मिल जाना, सिंगल डबल डिजिट में रैंक आ जाना वो एक ओवरवेलमिंग चीज़ है। बाकी सिलेक्शन हुआ है इससे मतलब काफ़ी अच्छा लग रहा है काफ़ी। क्या लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं, किस तरीके से सेवा करेंगे, एक चैलेंजिंग चीज़ें बहुत सारी आएंगी आगे, क्या मन में है आगे फ्यूचर को लेकर? सर, मेरा बैकग्राउंड इंजीनियरिंग का है तो इसमें मैं इसको ऐसे देखता हूँ कि जैसे जिस तरीके से अभी टाइम बदल रहा है तो टेक्नोलॉजी का एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहेगा हर चीज़ में इंटीग्रेटेड तरीके से, चाहे वो खेती हो, चाहे वो इंडस्ट्री हो, ट्रेड हो, कुछ भी हो, करप्शन को हटाना हो, कुछ भी हो, तो टेक्नोलॉजी हर चीज़ में एक रोल प्ले करेगी। तो अब क्योंकि मैं इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से तो मुझे लगता है कि ये एक एडेड एडवांटेज की तरह काम करेगा, तो आई थिंक इसको आगे ले जाते हुए गवर्नमेंट पॉलिसीज़ को बेटर इम्प्लीमेंट करना, एफिशिएंसी इंक्रीज करना सिस्टम में, तो आई थिंक ये एक मेरा टारगेट रहेगा इसमें। वर्ल्ड अभी आपने बोला कि भ्रष्टाचार को ज़रूर हटाना है, तो क्या ये एम रहेगा, ये मेन लक्ष्य रहेगा, क्योंकि एक बहुत बड़ा चैलेंज रहेगा ये आगे के लिए? जी सर, बिल्कुल, डेफिनेटली करप्शन तो मैनेस है सोसाइटी के लिए, तो इसके रहते हुए तो आई थिंक सुपर पावर हम बन ही नहीं सकते, तो डेफिनेटली करप्शन को हटाना तो एक वन ऑफ द प्राइमरी गोल रहेगा ही रहेगा। रोहित त्यागी हमारे साथ में थे, जिनका कहना है कि उन्होंने पूरे परिवार का सहयोग मिला और खुद की मेहनत, परिवार का साथ, आखिरकार ये रंग लेकर के आया और 74वीं रैंक लेकर के रोहित त्यागी आज UPSC में पास हुए और उसके बाद अब IAS बनेंगे। और उनका कहना है साफ तौर पर कि सबसे पहला लक्ष्य रहेगा कि करप्शन कर कंट्रोल किया जाए, क्योंकि करप्शन कहीं ना कहीं देश को आगे बढ़ाने में, सुदृढ़ बनाने में दीमक के तरीके से काम करता है और उसको रोकने के लिए सबसे पहले लक्ष्य रहेगा कि रोहित त्यागी उस पर काम करें और आगे चल करके किस तरीके से देश की सेवा करते हैं, ये देखने वाली बात होगी। हर्षित मिश्रा, दिल्ली तक।